वैष्णो देवी यात्रा के लिए पूरे देश से रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं। ये यात्रा भारत की बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल कंपेनियन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित छोटी बड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे कि वैष्णो देवी हम कैसे पहुँचें, वहाँ पहुँचने के बाद हमें होटल या फिर धर्मशाला कहाँ मिल सकती है, और वैष्णो देवी की यात्रा हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, वैष्णो देवी यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, और वैष्णो देवी की यात्रा यदि आप हेलीकॉप्टर द्वारा करना चाहते हैं तो इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो श्री वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित कटरा से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हम कटरा कैसे पहुँच सकते हैं। तो कटरा आने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का। अगर आप बाई फ्लाइट कटरा आना चाहते हैं तो आपको आना होगा जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर, क्योंकि कटरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर पड़ जाती है। एयरपोर्ट आने के बाद आपको कटरा के लिए टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। टैक्सी वाले आपसे यहाँ 2500 से 3000 रुपए चार्ज करेंगे और आपको कटरा ड्रॉप कर देंगे, या फिर आप चाहें तो बस के थ्रू भी जम्मू से कटरा तक आ सकते हैं, लेकिन आपको एयरपोर्ट से बस नहीं मिलेगी। बस के लिए आपको जम्मू बस स्टैंड पर जाना होगा। बस स्टैंड से आपको कटरा के लिए बस मिल जाएगी और वहां पर बस का किराया लगभग 120 रुपए होता है एक व्यक्ति का, तो आप चाहें तो बस से भी कटरा तक आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कटरा आने के दूसरे ऑप्शन की, और वो है बाय ट्रेन का, जो कि काफ़ी सस्ता और आसान भी रहता है। ट्रेन के द्वारा आप आसानी से कटरा तक आ सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें डायरेक्ट कटरा तक आती हैं। उनमें से एक ट्रेन है वंदे भारत, जिसमें 1665 और 3055 रुपए का आप टिकट लेकर दिल्ली से डायरेक्ट कटरा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेस ट्रेन भी हैं, जिसमें आप बहुत कम खर्चे में लगभग 400 से 450 का स्लीपर का टिकट लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू देश भर से सीधे तौर पर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन से आप कटरा तक पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, जम्मू स्टेशन के बाहर से आपको बस और टैक्सी दोनों के ही ऑप्शन मिल जाएंगे। टैक्सी वाले यहां आपसे लगभग 3000 के आसपास चार्ज करेंगे और आपको कटरा तक ड्रॉप कर देंगे। अगर बस की बात करें तो यहां पर आपको प्राइवेट और रोडवेज दोनों ही बसों के ऑप्शन मिल जाएंगे। प्राइवेट बस में आपसे लगभग 120 रुपए का टिकट लगेगा और रोडवेज बस में आपसे 100 रुपए का टिकट लगेगा। तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन सही लगे उसके द्वारा आप कटरा तक आ सकते हैं। एक से डेढ़ घंटे में आप आसानी से जम्मू से कटरा तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो था ट्रेन का ऑप्शन। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट ऑप्शन की, जो कि है बाई रोड का। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पूरी जर्नी बाई रोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बसेस से आ सकते हैं, अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप आ सकते हैं। 12 से 13 घंटे की जर्नी होती है। अगर यहाँ पर टिकट की बात करें तो टिकट आपको मिनिमम 600 रुपये और मैक्सिमम 2200 से 2300 रुपये के टिकट यहाँ पर आपको पड़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बस, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट, आपकी बस की कंडीशन जैसी होगी उस हिसाब से आपसे टिकट चार्ज किया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल बस में आएंगे तो उस हिसाब से टिकट रहेगा, और अगर आप एसी बस में आते हैं तो आपके टिकट के पैसे उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अमृतसर, चंडीगढ़ और पठानकोट से भी आपको डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको यहाँ पर जम्मू और कटरा के बीच में एक दो चेक पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से जैसे भी चाहें वैसे आ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर आने के सारे तरीक़ों के बारे में बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कटरा पहुंचने के बाद हम अपना स्टे यहां पर कहां कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर स्टे करने के लिए होटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 600 से 4000 के बीच में रहता है। बात करें यहाँ पर होटल लेने की तो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास या फिर आप चाहें तो कटरा के मेन मार्केट में भी होटल्स वगैरह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर होटल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर ऑनलाइन होटल्स भी बुक कर सकते हैं। अगर बात करें यहां पर स्टे करने के दूसरे ऑप्शन की तो वो है डोरमेट्री का। ये काफ़ी सस्ता ऑप्शन है। यहां पर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री मिल जाएगी जिसमें एक व्यक्ति का लगभग 150 रुपये किराया रहता है। इसमें आपको एक लॉक रूम भी मिलता है जहां आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री में नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको यहां पर रूम की सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा आप यहां से हेलीकॉप्टर यात्रा की टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसका ऑफिस भी यहीं पर है, जो कि आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आने और रुकने की बात। अब बात करते हैं कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। फ्रेंड्स, वैष्णो देवी यात्रा करने से पहले आपको यहाँ यात्रा पर्ची लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यात्रा पर्ची यहाँ लेने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको माता वैष्णो देवी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। बस अपना आधार नंबर डालकर आप पर्ची इशू करवा सकते हैं जिस डेट को आपको यात्रा करनी है, यानी कि जिस दिन कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे वो डेट आपको वहां पर डालनी होगी और आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। इसके अलावा आप यात्रा पर्ची ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप कटरा के मेन बस स्टैंड के पास से पर्ची बनवा सकते हैं। वहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर है तो वहाँ से आपको यात्रा पर्ची आसानी से बन जाएगी। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पर आप पर्ची बनवा सकते हैं। यात्रा पर्ची लेने के बाद आप यात्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, यानी कि हम वैष्णो देवी की यात्रा किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैष्णो देवी की यात्रा आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए या फिर आप पैदल मार्ग से भी वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। कटरा में जो हेलीपैड है वो कटरा के मेन बस स्टैंड से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कश्मीर रोड पर है। वहाँ के लिए आपको ऑटो या फिर रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जो करीब आपसे 150 से 200 रुपए चार्ज करेंगे और आपको हेलीपैड तक छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग की बात करें तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑन द स्पॉट भी करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन टिकट बुकिंग में आपको वहां पर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। बात करें यहां पर टिकट की प्राइस की तो यदि आप वन वे टिकट लेते हैं तो एक व्यक्ति का रहेगा 1830 रुपये। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं यानी कि आना और जाना, तो आपका रहेगा एक व्यक्ति का 3660 रुपये। फ्रेंड्स, यदि आपकी आज की ट्रिप है तो आप आज से ठीक 4 दिन पहले अपनी हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। 4 दिन पहले ही रजिस्टर पोर्टल ओपन हो जाता है। आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। फ्रेंड्स, कटरा हेलीपैड से जो हेलीकॉप्टर चलता है वो आपको सांची छत ड्रॉप करेगा। अब बात करें कि सांची छत कहाँ पर है, तो माता का जो मंदिर या फिर माता का जो भवन है वहाँ से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है सांची छत। वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगा और उसके बाद आप वहाँ से घोड़े, खच्चर या फिर पैदल ही भवन तक जा सकते हैं। खच्चर का किराया लगभग 275 से 300 रुपये रहता है और पालकी का किराया 2500 से 2800 रुपये रहता है, डिपेंड करता है वेट पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग भवन तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हेलीकॉप्टर के बारे में बात। अब बात करते हैं कि हम वैष्णो देवी की यात्रा पैदल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैदल वैष्णो देवी की यात्रा के भी दो रास्ते हैं। एक है ओल्ड रास्ता जो कि बाणगंगा वाला रास्ता है और एक है न्यू रास्ता जो ताराकोट वाला रास्ता है। चॉइस आपकी है, आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ गई थी ताराकोट वाले मार्ग से। तो आप जब होटल से ताराकोट मार्ग के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपको अपने होटल से टैक्सी हायर करनी होगी ताराकोट मार्ग के लिए और वहाँ से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर होटल से टैक्सी वाले का जो कैब कॉस्ट होता है वो करीब 150, 200 या फिर 250 तक भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका होटल कहाँ पर है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर टैक्सी वाले से थोड़ी सी बार्गिंग वगैरह कराकर अपना प्राइस थोड़ा सा कम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं ताराकोट मार्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताराकोट मार्ग से। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ताराकोट मार्ग से जाएंगे माता के भवन तक, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगी। और अगर आप बाणगंगा वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको वहाँ पर घोड़ा, खच्चर, पालकी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि उस मार्ग पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो ताराकोट मार्ग से जा सकते हैं या फिर आप बाणगंगा वाले मार्ग से भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ताराकोट मार्ग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन चेकिंग करानी होगी, यानी कि यात्रा पर्ची काउंटर है यहाँ पर, जहाँ पर आपको अपनी यात्रा पर्ची वगैरह चेक करानी होगी। और चेकिंग कराने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ताराकोट मार्ग से जाएंगे तो ये मार्ग आपको काफ़ी ज़्यादा खाली मिलेगा। रास्ते में आपको भोजन, पानी और मेडिकल फैसिलिटी जैसी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही रास्ते में आपको लंगर वगैरह भी मिलेंगे। अगर आप बाणगंगा वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको वहाँ पर गुलशन लंगर मिलेगा, जो कि वहाँ का काफ़ी फेमस लंगर है। वहाँ पर आपको फ्री भोजन की सुविधा रहती है। और अगर आप ताराकोट वाले मार्ग से जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लंगर मिलेगा, जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है। तो यहाँ से खाना खाने के बाद आप अर्धकुमारी के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ताराकोट वाले मार्ग से जब आप 7 से 8 किलोमीटर चलेंगे तो आपको मिलेगी अर्धकुमारी। कहते हैं कि अर्धकुमारी वो स्थान है जहाँ पर माता का गर्भगृह है। यहाँ पर माता ने अपने 9 महीने यहीं पर गुजारे थे। फ्रेंड्स, अगर आप इस गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो गर्भगृह में जाने के लिए आपको एक यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी, जहां पर आपको यात्रा पर्ची कटवा के अपना ग्रुप अलाउट करवाना पड़ेगा। ग्रुप में आपका 40 नंबर, 60 नंबर, यहां तक कि 80 नंबर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहां पर कितना क्राउड है, उस हिसाब से आपका नंबर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ग्रुप में आपको लगभग 8 से 9 लोगों को भेजा जाता है। इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसीलिए कुछ दर्शनार्थी पहले यहाँ पर पर्ची कटवा लेते हैं और पर्ची कटवाने के बाद वो निकल जाते हैं भवन के लिए, यानी कि वैष्णो जी माता के दर्शन करने के लिए। माता के दर्शन करने के बाद वापस वो अर्धकुमारी में आते हैं और अर्धकुमारी में आकर फिर गर्भगृह में लाइन लगाकर दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीजन सीजन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए ग्रुप में हमको जो नंबर मिलता है वो हमको एक दिन बाद या फिर 12 घंटे के बाद भी रहता है। तो उस हिसाब से जो दर्शनार्थी रहते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं या फिर रुकते हैं, फिर यहाँ दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर रुकने की, तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पर भगवती भवन करके हैं, जहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप अपनी यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट भी मिलता है, जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लॉक रूम भी मिलता है, जहाँ पर आप अपना लगेज या बैग वगैरह रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अर्धकुमारी में हमें कैसे दर्शन करने हैं, कैसे रुकना है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है, उस बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे माता के भवन की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अर्धकुमारी पर ताराकोट मार्ग वाले भी आते हैं और बाणगंगा मार्ग वाले भी यहीं पर आते हैं, दोनों यहीं पर आकर मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद यहीं से रूट अगेन 2 भागों में बट जाता है। एक रूट तो वो है जो हिमकोटी मार्ग है और एक मार्ग वो है जो हम नॉर्मली ताराकोट मार्ग से आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम आगे की यात्रा ताराकोट मार्ग से ही चालू रखेंगे। फ्रेंड्स, हिमकोटी मार्ग से आपको घोड़े, खच्चर, भीड़ भाड़ इत्यादि चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हम अपने ताराकोट वाले मुख्य मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे। वो मार्ग काफ़ी शांत भरा मार्ग रहता है, बस लोगों का वहाँ पर आवागमन रहता है। तो हम ताराकोट मार्ग से आगे बढ़ते हुए भवन की तरफ जाएंगे, जो कि 6 किलोमीटर की यात्रा रहती है अर्धकुमारी से। फ्रेंड्स, यदि आप आगे की यात्रा पैदल करने में असमर्थ हैं तो फिर आप घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर बैटरी कार के द्वारा भी माता के भवन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ताराकोट मार्ग में घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं। यदि आप बाणगंगा वाले मार्ग से आते हैं तो आपको वहां पर घोड़े, खच्चर आदि के रेट मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहां पर घोड़े की रेट की, तो अगर आप अर्धकुमारी से माता के भवन और भैरव मंदिर जाने
जाना चाहते हैं तो आपको घोड़े वाला यहाँ पर 400 रुपये चार्ज करेगा। वहीं अगर आप कटरा से डायरेक्ट माता के भवन तक जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले यहाँ आपसे करीब 1200-1250 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर यहाँ पर पालकी की रेट की बात करें तो पालकी वाले अर्धकुमारी से माता के भवन जाने के 1700-1800 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप कटरा से माता के भवन जाना चाहते हैं तो पालकी वाले आपसे 2700-2800 रुपये चार्ज करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ बैग या फिर सामान है या फिर आपके छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सा लगेज ट्रॉली भी चली है। लगेज ट्रॉली में आप अपने बच्चों को बैठा सकते हैं या फिर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और जो आपको माता के भवन तक छोड़ देंगे। लगेज ट्रॉली वाले आपसे यहाँ पर करीब 540 रुपये चार्ज करेंगे अगर आप कटरा से माता के भवन तक जा रहे हैं। और अगर आप अर्धकुमारी से माता के भवन तक जा रहे हैं तो ये लगेज ट्रॉली वाले आपसे करीब 340 रुपये चार्ज करेंगे और आपका सामान माता के भवन तक पहुँचा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप माता के भवन तक बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बैटरी कार केवल अर्धकुमारी से माता के भवन तक जाती है और माता के भवन से वापस अर्धकुमारी तक ही आती है। फ्रेंड्स, आपको कटरा से डायरेक्ट माता के भवन के लिए बैटरी कार नहीं मिलेगी। पहले आपको 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके अर्धकुमारी तक आना होगा। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप घोड़े खच्चड़ के द्वारा भी अर्धकुमारी तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बैटरी कार की कॉस्ट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अर्धकुमारी से माता के भवन तक जा रहे हैं यानी कि आप चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ करीब 354 रुपये का टिकट रहेगा एक व्यक्ति का। और यदि आप माता के भवन से वापस अर्धकुमारी के लिए रिटर्न आ रहे हैं तो आपका एक व्यक्ति का किराया रहेगा करीब 236 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कार के लिए हमें टिकट कैसे मिलेगा यानी कि टिकट की क्या प्रोसेस रहेगी। तो टिकट के लिए आपको पहले लाइन लगानी होगी। टिकट की लाइन आधा घंटा, एक घंटा या फिर ये डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टिकट मिलेगा। टिकट मिलने के बाद आपको एक गाड़ी में करीब 6 से 7 लोग ही जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कार आपको अर्धकुमारी से माता के भवन पर ड्रॉप करेगी। उसके बाद आप माता के भवन से अर्धकुमारी तक इसी तरह से आ सकते हैं। तो ये तो थी बैटरी कार की बात। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप पहुंच जाएंगे माता के भवन पर। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर 24 घंटे दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ पर 3 से 4 भेंट प्रसाद की दुकानें हैं। आप कहीं से भी प्रसाद यहाँ पर ले सकते हैं। प्रसाद की अगर रेट की बात करें तो 70 रुपये से प्रसाद स्टार्ट होता है जो कि 500-600 तक जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मनोकामना भवन है जहाँ पर फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है जो कि माता श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर फ्री में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मंदिर की। फ्रेंड्स, मुख्य मंदिर के अंदर कोई भी सामान वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि पर्स, घड़ी, फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, पेन और लेदर से बना हुआ कोई भी सामान, चाहे वो लेदर की जैकेट हो या फिर लेदर का बेल्ट, लेदर का पर्स, कुछ भी मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इन सारे सामान को आप क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लॉक रूम बना हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं जो कि पूरी तरह से फ्री होता है। फ्रेंड्स, सामान रखने के बाद आप आगे दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन की बात करें तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहते हैं। उस समय विशेष पूजा वालों के लिए दर्शन कराए जाते हैं तो आप उस समय के हिसाब से ही दर्शन की लाइन में लगें, इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगे और माता के दर्शन करने के बाद आप वहां पर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं जो कि है भैरव बाबा की। कहते हैं कि जब तक आप भैरव बाबा की यात्रा नहीं करेंगे तब तक आपकी वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने दिन में ही माता के दर्शन कर लिए हैं तो आप उसी दिन भैरव बाबा के भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक दिन रुकते हैं तो नेक्स्ट डे भी आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। भैरव बाबा जाने के 4 ऑप्शन हैं। आप पैदल जा सकते हैं जो कि 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है। आप खच्चर से भी जा सकते हैं। खच्चर वाले आपसे यहाँ 400 से 450 रुपये चार्ज करेंगे माता के भवन से भैरव बाबा मंदिर तक के। इसके अलावा आप यहाँ पर पालकी से भी जा सकते हैं। पालकी वाले आपसे यहाँ पर 1000 से 1250 रुपये चार्ज करेंगे और आपको भैरव बाबा मंदिर तक छोड़ देंगे।
और यदि आपके पास 25 किलो तक का कोई लगेज या फिर 25 किलोग्राम तक का कोई बच्चा है तो पिट्ठू वाले आपसे 200 रुपए लेंगे और आपको जो कि आपका सामान या फिर आपका जो बच्चा है उसको भैरव बाबा मंदिर तक छोड़ देंगे। और चौथा तरीका है रोप वे का। रोप वे का यहाँ पर 150 रुपये का टिकट होता है आने और जाने का। रोप वे का जो टिकट है वो आपको मनोकामना भवन में ही मिल जाएगा। ये टिकट काउंटर सुबह 6:30 बजे के आसपास खुल जाता है, तो वहाँ से आप अपने रोप वे का टिकट ले सकते हैं। जब आप भैरव घाटी पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी जहाँ पर आप 20 से 25 रुपए में प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लाइन नहीं होती है, क्योंकि लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और वापस नीचे चले जाते हैं। फ्रेंड्स, भैरव मंदिर के सामने ही आपको एक काफ़ी खुली हुई जगह देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप माता रानी भवन का एक सुंदर खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर आप कुछ समय स्पेंड करिए, कुछ समय यहाँ पर रुकिए, खाइए पिए और इसके बाद आप नीचे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भैरव बाबा मंदिर रोप वे से जाते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेंगे। खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आप भैरव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से आपकी वैष्णो देवी यात्रा समाप्त होती है। यहां से आप पैदल नीचे कटरा तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए आपको यहां से वापस जाना ही होता है। अगर आप रोप वे से आए हैं तो आपको 2 से 3 घंटे में वापस नीचे जाना होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें कटरा में फूड की, तो कटरा में आपको हर तरह का फूड देखने को मिल जाएगा, चाहे वो नॉर्थ इंडियन फूड हो या फिर साउथ इंडियन फूड हो। यहाँ पर आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह खुल गए हैं, तो यहाँ पर आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप कटरा के मार्केट में भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि कटरा का मार्केट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।